दोस्तों आपने शायद सुना ही होगा, जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उनका दर्द असहनीय होता है और इसमें लगभग 206 हड्डियों के एक साथ टूटने जितना दर्द भी होता है। लेकिन दोस्तों इस दर्द का सामना सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों को भी अपने बच्चे को जन्म देते हुए इस दर्द से गुजरना पड़ता है। और दोस्तों वहीं कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चे को जन्म देते समय दर्द की वजह से बेहोश तक हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों एक माँ के लिए बच्चे के जन्म से खूबसूरत लम्हा कोई भी नहीं होता और बच्चा चाहे इंसान का हो या फिर जानवर का, दोनों के लिए ही बच्चे का जन्म किसी जश्न से कम नहीं होता। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि इंसानों और जानवरों के बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया अलग होती है या फिर एक जैसी? अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा कि जानवर अपने बच्चे को जन्म कैसे और किस माहौल में देना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं जानवरों के बच्चे पैदा करने से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स बिगिन। जायंट जिराफ। दोस्तों अफ्रीका में पाया जाने वाला और दुनिया के सबसे लंबे जीवों में से एक जिराफ का बच्चे को जन्म देने का तरीका बहुत ही अजीब होता है। और हम सभी ये जानते हैं कि जिराफ की लंबाई काफी ज्यादा होती है और ऐसे में डिलीवरी के दौरान जिराफ का बच्चा काफी ऊंचाई से गिरता है। इस वीडियो में दिख रहे मादा जिराफ ने पिछले 15 महीने से अपने गर्भ में बच्चे को रखा था और अब वो खूबसूरत पल आ गया है जब उस बच्चे को जन्म देना था। पैदा होने के लिए इस बच्चे ने करीब 30 मिनट तक का वक्त लिया, जबकि इस दौरान मादा जिराफ को कई बार पोजीशन में घूमते और अपने शरीर को जानबूझकर अकड़ते हुए देखा गया। दोस्तों बच्चा पैदा होने के बाद बेबी जिराफ काफी कमजोर रहता है और बचपन से ही उसकी टांगे काफी लंबी और उसका वजन 50 से 60 किलोग्राम तक का होता है। लेकिन दोस्तों इन्हें खड़े रहकर चलने में सिर्फ एक दिन का समय लगता है। कंगारू। दोस्तों कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला विचित्र स्तनधारी जीव है, क्योंकि ये मैमल में से सबसे विभिन्न है। इनके बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया जानकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। हालांकि दोस्तों कंगारू का गर्भवास सिर्फ 33 दिनों का होता है, लेकिन तब वो बहुत ही छोटा और अपूर्ण होता है और इसीलिए बच्चा बाहर आने के बावजूद मादा कंगारू जब तक वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाता तब तक उसे अपनी थैली में ही रखती है। और करीब 9 महीने के बाद वो बच्चा अपनी माँ की थैली से बाहर आकर चलने लगता है और तब उसका वजन तकरीबन 90 किलोग्राम और ऊंचाई में 2 मीटर तक लंबा हो सकता है। सरप्राइजिंग स्नेल्स। दोस्तों हमारी दुनिया में एक से एक जानवर हैं जिनसे जुड़े कुछ किस्से काफी उम्दा और हैरान कर देने वाले होते हैं। अब जरा इस धीमे गति के जानवर को ही देख लीजिए जो कि समुंदर और बगीचे में पाया जाता है। और ये एक अफ्रीकन स्नेल है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन करने वाला जीव है। आपको शायद ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि ये स्नेल सिर्फ 2 से 3 हफ्तों तक अंडे को पेट में रखते हैं और उसके बाद अपने शरीर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एक समय पर कम से कम 500 अंडे बाहर निकालती है। और अंडों में से बच्चे बाहर आने तक स्नेल्स उनकी रक्षा के लिए आजू बाजू में ही होते हैं। एलिफेंट्स। दोस्तों हाथियों में बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया लगभग इंसानों जैसी ही होती है और एक हथनी लगभग 22 महीनों तक अपने बच्चे को पेट में रखती है। और साथ ही हथनियों को दिन में बच्चे को जन्म देना पसंद नहीं होता और वो आमतौर पे बच्चे को रात में ही जन्म देना पसंद करती हैं। और दोस्तों हथनियां दिन भर डिलीवरी पीड़ा सहन करके रात में बच्चे को अपने पेट से बाहर आने देती हैं और वो अपने बच्चे को जन्म देने के समय पीछे के पैरों से थोड़ा झुकाती हैं और तब धीरे धीरे बच्चा बाहर आ जाता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हाथी का बच्चा जब पैदा होता है तो उसका वजन लगभग 114 किलोग्राम तक होता है। और दोस्तों हाथियों को किसी घास या खास तौर पे मिट्टी पे बच्चों को जन्म देना पसंद होता है और वो ऐसा इसलिए भी करते हैं जिससे बच्चे को ऊंचाई से गिरने पर चोट ना लगे। और दोस्तों सबसे खास बात तो ये है कि हाथियों के बच्चे को खड़े होने की जल्दी होती है, लेकिन उनको खड़े होने में लगभग 12 घंटे का समय लगता है और तब तक उसकी माँ उसकी देखभाल करती है और उसको चाटकर उस पर लगे खून को साफ करती है। राइनो। दोस्तों जानवरों के बच्चों के जन्म की सूची में अगला नाम आता है राइनो का। राइनो जैसे विशालकाय जानवर को बच्चे को जन्म देते समय देखना काफी अलग अनुभव होता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मादा राइनो अपने बच्चे को 18 महीने तक पेट में रखती है और साथ ही वो 2 से 3 सालों में एक ही बच्चे को जन्म दे पाती है। दोस्तों हाथियों की तरह ही मादा राइनो भी बच्चे को जन्म देने के लिए मिट्टी की तलाश करती है और साथ ही वो हल्का सा पीछे से झुककर अपने बच्चे को अपने शरीर से नीचे गिरा देती है। और दोस्तों जब बेबी राइनो का जन्म होता है तो वो लगभग 45 किलोग्राम का होता है और राइनो का बच्चा शुरुआत में काफी कमजोर होता है और वो खुद से खड़ा भी नहीं हो पाता। इंसानों की तरह ही फीमेल राइनो भी अपने बच्चे की देखभाल करती है और उसे उठना और चलना सिखाती है। और साथ ही जब तक बेबी राइनो काफी कमजोर रहता है तब तक उसकी माँ भी उसी के पास रहती है। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।